अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बड़े के कोरमे की रेसिपी, जो कि हम घर के कुछ मसालों से ही इसको बनाएंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से और जल्दी झटपट से ये रेसिपी बन जाती है। खाने में इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होता है। आप इसे नान या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं और बिल्कुल दावतों वाला आपको इसमें फ्लेवर लगेगा। जैसा शादियों में एकदम दानेदार कोरमा बनता है, उसी तरह से हमने ये कोरमा बनाया है फ्रेंड्स। तो चलिए हम किस तरह से ये कोरमा बनाते हैं देख लेंगे। तो कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्याज को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर हमने 250 ग्राम प्याज ली है, इसको हमने इस तरह से लच्छे में कट कर लिया है। तेल को हमने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो सारी प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे और प्याज को आपको मसल कर इसमें ऐड करें ताकि हमारी प्याज अच्छे से इक्वली फ्राई हो सके। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से फ्राई हो रही है प्याज हमारी। तो गैस का फ्लेम आपको मीडियम ही रखना है, मीडियम फ्लेम पर आप इसे फ्राई करें। तो यहाँ पर प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसे हमें किसी बर्तन में निकाल लेना है। तो हमें इस तरह से किसी चम्मच से या बर्तन से हमें प्रेस कर देना है ताकि इसका सारा जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो सारी प्याज हमें इस तरह से निकाल लेनी है। तो आप देख सकते हैं प्याज में इक्वली कलर आया है। तो आप कभी भी प्याज फ्राई करें तो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करिएगा। तो हमें इस तरह से फैला के रख देना है ताकि हमारी प्याज अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने एक कुकर ले लिया है, इसमें हम 200 ग्राम के करीब सरसों का तेल ऐड करेंगे। सरसों के तेल में ही ये कोरमा बहुत टेस्टी बनता है। तो तेल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। तो यहाँ पर हमने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है, थोड़ा सा हमने इसमें फैट मिक्स कराया है, इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो ये सारा गोश्त हम इसमें तेल में ऐड कर देंगे। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे क्योंकि हम 1 किलो गोश्त बना रहे हैं। तो अब इसमें हमें 200 ग्राम के करीब दही ऐड कर देना है। तो ध्यान रहे आपको दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारा दही हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसी के साथ हमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर देना है। तो यहाँ पर 4 से 5 छोटी इलायची ले लिया है, 4 से 5 लौंग है, 1 स्टार का फूल है, 1/2 इंच दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़ी इलायची है। सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने 1 तेज़पत्ता लिया है, इसको हम बीच से तोड़कर ऐड करेंगे इसमें। इसी के साथ हमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देना है। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखिएगा। 1/2 चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। 2 चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इसी के साथ हमें 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर देना है। 1 चम्मच इसमें हमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करना है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा कोरमे का। साथ ही इसके हमें 1 चम्मच सौंफ का पाउडर ऐड कर देना है। ये 2 चम्मच हमने नारियल का बुरादा लिया है, इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सभी मसालों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे हमें भूनना नहीं है, हमें सिर्फ इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको तेल की क्वांटिटी ज़्यादा लगे तो आप यहाँ पर तेल कम भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। पर इस तरह के कोरमे में तेल ज़्यादा जाता है तो हमने उस हिसाब से तेल रखा है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब ये जिसमें हमने दही ली हुई थी उसी में हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। इसमें हमें लीड लगा देना है और 4 से 5 सीटी इसमें हमें ले लेना है ताकि गोश्त हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए। तो टोटल इसमें 15 से 20 मिनट लगेगा गोश्त को गलने के लिए। आप चाहें तो इसे खुले बर्तन में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप खुले बर्तन में बना लीजिए, वरना आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर रिलीज हो चुका है, चलिए हम चलिए। तो यहाँ पर हमें गैस का फ्लेम हाई पे कर देना है और इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है इसको हमें खुश्क कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा गोश्त अच्छे से टेंडर हो चुका है, बहुत ही आसानी से इसकी बोटियाँ टूट रही हैं। तो हमें इसी तरह का गोश्त गला हुआ चाहिए था। तो अब इसमें हमें प्याज ऐड कर देना है जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी। इस तरह से हमें हाथों से इसे मसल लेना है, यानी क्रश कर देना है इसको। आप चाहें तो मिक्सर में भी पीस सकते हैं, पर इस तरह से अगर क्रश करके डालेंगे तो आपका कोरमा बहुत ही दानेदार बनेगा। तो ये सारी प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से हमें भून लेना है। तो 2 से 3 मिनट हमें प्याज को डालकर हाई फ्लेम पर भून लेना है। तो ये मसाला हमारे अच्छे से भुन गया है, तेल सेपरेट हो गया है बिल्कुल। अब इसमें हमें 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर लेना है, इसको भी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल दानेदार कोरमा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। आप लोग घर के कुछ ही इंग्रेडिएंट से इस तरह का कोरमा बना सकते हैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से।
जब भी आपका मन करे दावत या शादियों वाला कोरमा खाने का, तो आप लोग इस तरह से कोरमा घर पर ही आसानी से बना सकते हैं। तो इसे हमने बोल में सर्व कर लिया है, तो आप देख सकते हैं हमारा दानेदार कोरमा बनकर रेडी हो चुका है, बिल्कुल शादियों वाला जिस तरह से हम लोग दावतों में खाते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।